इस बुद्धिजीवी की सम्मेलन और बैठक में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच को सुशोभित करते हुए पद्मश्री श्री अब्दुल वहीद जी, हमारे मंच को सुशोभित करते हुए सम्माननीय हनुमान चौधरी पद्मश्री जी, हमारे राजेंद्र कुमार जी जो पूर्व में डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय बंडी जी, हमारे किशन रेड्डी जी भारत के गृह राज्य मंत्री, हमारे परेला शेखर राव जी और हमारे सम्मानित मंच के सभी सदस्य, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे हैदराबाद के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता से वार्तालाप करने का, बातचीत करने का मौका मिला है। भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में चेंज फॉर हैदराबाद इस विषय को उन्होंने आपके सामने रखा है, और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि चेंज किस लिए करने की आवश्यकता है। मैं जब यहां आया हूं तो जहां चिलकुर बालाजी टेंपल को नमन करता हूं, जहां 1000 पिलर्स के टेंपल को, वारंगल को नमन करता हूं, बिरला मंदिर को नमन करता हूं, वहीं मैं हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता को भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। यह चुनाव का समय है और चुनाव के दृष्टि से हम सब के बीच में हमारे विचार चुनाव में किस तरीके से, किस लिए हम यशस्वी हो, इस पर चिंतन करना, इस पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। और जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में भी परचम लहराया है और कमल खिलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं आपको मैं बिहार के चुनाव में जो जीत हासिल हुई उसके लिए भी बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा और भूपेंद्र यादव जी जो वहां के प्रभारी थे उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर लगाई है, इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को। मित्रों, हम लोग लगभग 110 सीटों में बिहार में चुनाव लड़े और उसमें से हमने 74 सीटें जीती। हमारा स्ट्राइक रेट 67% था, यह हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारा वोट शेयर 19.5% था, और यह सब इस बात को बताता है कि मोदी जी के विकासवाद, द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ मोदी जी, और वहां के गुंडा राज को नकारना, वहां के अराजकता को नकारना और मोदी जी के विकासवाद पर मोहर लगाने का यह प्रमाण है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, आर्टिकल 370 हो, फिर चाहे वो वहां के विकास के मुद्दे हो, ये सब बिहार के चुनाव में सामने आए हैं। मित्रों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 5 साल पहले मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का। लोग अक्सर चुनाव में वायदे करके भूल जाते हैं और केसीआर इसका प्रमाण है, लेकिन मोदी जी ने
भूले हुए वायदे को याद दिलाकर 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा दिया, यह भी उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा, यह मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दिस इज द चेंज इन द वर्किंग कल्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया कि आगे जनता के बीच में जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे, इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया, यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार के विकास ने इस बात को दिखाया है। लेकिन चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं जीता, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते, ये एक तरीके से सारे देश में छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां 1 चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली, यानी गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और लेह लद्दाख के हिल काउंसिल से लेकर के केरल और कर्नाटक और तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बातें आपसे शेयर करता हूं तो हमको यह भी समझना चाहिए कि क्यों भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे रही है। Why people are coming forward to support भारतीय जनता पार्टी? They are coming forward because the good work done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the culture through which भारतीय जनता पार्टी along with the government is working for the people of the country, इस बात को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, यह हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर विकास की यात्रा की चर्चा तेलंगाना की करूं तो मुझे 2014 भी याद है, लगभग 10.5% का शेयर हमको वोट शेयर मिला था और हमने 1 लोकसभा की सीट जीती थी। इन 2019 व्हेन वी फॉट वी गॉट 23.5% वोट हियर इन आंध्र प्रदेश इन तेलंगाना एंड वी वन 4 सीट्स एंड इन दुबाका We have increased our vote share to 38.47% and we have won Dubaka, ये हमको समझना चाहिए। और 4 लोकसभा की सीट जो जीती उसमें KCR की डॉटर को भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 वोट से हराया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं Why we say Modi ji is a world leader? Why we believe that Modi ji is a world leader? अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, चुनाव का मुद्दा था कोविड मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट, चुनाव का मुद्दा था बिटवीन ट्रंप एंड बिडेन दैट ही वाज चार्ज्ड विद मिसमैनेजमेंट। अब वो मिसमैनेजमेंट था या मैनेजमेंट था तो ये जाने, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा बना और ट्रंप को विफलता हाथ लगी। सारा यूरोप जो हेल्थ के दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, समृद्ध है, ताकतवर है, मच मोर देन इंडिया, लेकिन वह भी अपने आप को कोविड मैनेजमेंट में असहाय पा रहा था। दे वर फीलिंग दैट देयर सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द हेल्थ सिस्टम्स। लेकिन हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक लेट द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट और 130 करोड़ देश में बोल्ड डिसीजन लेकर के, टाइमली लॉकडाउन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आई कीप ऑन सेइंग दिस, यू सी आई बीन अ हेल्थ मिनिस्टर, आई नो वी हैड ओनली 1 लैब टेस्टिंग लैब विथ 150 सेंटर्स एंड दैट वॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। Our capacity to test corona was only 1500. We did not have a dedicated hospital for corona. We did not have a dedicated bed for corona. That was the situation
when Modi ji took a bold decision to lock down. And with that lockdown, during that period, Prime Minister Modi, there was no manufacturer who was making personal protection equipment. There was no manufacturer who was making ventilator. Prime Minister Modi ne lockdown ki avastha mein 1600 dedicated corona hospital khade kiye, 1600 dedicated hospital. The testing capacity increased from 1500 to 15 lakh per day. Today India is producing and manufacturing personal protection equipment 5 lakh per day and it is exporting also. Ye bhi humko dhyan mein rakhna chahiye. Hamari testing capacity maine kaha 15 lakh pahunch gayi. Hamare laboratory 1600 cross kar gaye. Hamare dedicated hospitals jo the wo 1600 cross kar gaye. And more than 4.5 lakh dedicated COVID बेड्स तैयार हो गए और 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने तैयार करके दिया इस कोरोना अवस्था में. यह हमको समझना चाहिए. आई एम गिविंग दिस फिगर्स बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. यू आर नॉट वन वोट, यू आर पीयर्स, यू आर द लीडर्स, यू कैन ब्रिंग द चेंज एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दीज फैक्ट्स. Because we should understand what is the difference between a leader and a leader like Narendra Modi. This we have to understand. इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. आई नो that on international forums how India was taken before 2014. When I became the health minister in 2014, India, because of alphabetical order in World Health Assembly, we used to sit at the back, I, India. But when Modi ji came with Ayushman Bharat, the leader, the director general of World Health Organization, Dr. Tedros, said, "Where is Mr. Nadda? Please come forward and tell the world what Modi has done in Ayushman Bharat so that it can be replicated." मैं ये आपके सामने इसलिए सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि we should understand what leaders make a difference. ये कोरोना क्राइसिस में डॉक्टर टेड्रोस ने और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा that Modi has given an example that he has not only addressed the health issue but he has also addressed the economic issue and he has given an economic subsistence level. He has tried to see that how 130 crore people survive in during lockdown and he has taken care of that. He has addressed the economic issues. Aur uski jab hum baat karte hain to hum ye gaurav ke sath keh sakte hain 8 crore behnon ko 3 महीने के लिए एक एक गैस सिलेंडर, तीन तीन गैस सिलेंडर दिए गए. 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए, 1500 रुपए ड्यूरिंग लॉकडाउन पहुंचाया गया थ्रू DBT जनधन योजना के खाते में. और वह महिलाओं को पहुंचाया गया इसलिए कि महिलाएं घर चलाती हैं और उनका चूल्हा जलता रहे इसकी व्यवस्था हो, इसलिए किया गया. अब यू सी द डिफरेंस ऑफ how leaders change the country, how the leaders change the situation. Ek pradhanmantri the swargiya Rajiv Gandhi kehte the 1 rupaye bhejta hu 85 paise raste mein kharch ho jate hain. Ek pradhanmantri Narendra Modi hue jinhone lal kile ke prachir se kaha ki jandhan mein khata kholo, zero account par khata kholo and we will help you. Aur us samay Congress party ne mazak udaya tha ki kya Bharatiya Janata Party ke pradhanmantri Narendra Modi लाल किले से खाता खुलवा रहे. और ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन देयर वाज नो पोस्टमैन, देयर वाज नो पोस्ट ऑफिस, दो मनी ऑर्डर, 20 करोड़ विमेन गॉट 5500 रुपीस डायरेक्टली डिस्पर्स टू देयर अकाउंट. यह परिवर्तन ला करके दिखाया, यह हमको समझना चाहिए. 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो
5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक। यू सी हाउ पुअर पीपल हैव बीन टेकन केयर, किस तरीके से उनकी चिंता की गई है। दिव्यांग भाई, स्पेशली एबल पीपल, विडोज, हमारी विधवा बहने, माताएं और हमारे बुजुर्ग, इनको 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह हमको समझना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? दिस इज कन्वर्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को, आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है। कैलामिटी को, ट्रेजिडी को एक अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है। और वो कैसे है कि 3,00,000 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में फिर से उनको रिवाइटलाइज करने के लिए देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1,00,000 रुपए फार्म सेक्टर में खर्च होगा, फार्म सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर में इट द मनी विल बी स्पेंट बाय द पीपल, दैट इज द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गोइंग टू स्पेंड, दे आर गोइंग टू डिसाइड हाउ द वैल्यू एडिशन कैन बी डन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ दे कैन थिंक अबाउट लिंकेजेस टू द मंडी, उसके लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, इसका इंतजाम करने की बातचीत उसमें जोड़ी गई। हमारे 50,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 से 10,000 रुपए उनको मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से खड़े हो सके और उसकी हम चिंता कर सके, इस बात को उसमें करने का प्रयास हुआ है। फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू ऑल्सो अर्ज अपॉन यू, आपसे मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आत्मनिर्भर भारत में वी शुड बी वोकल फॉर लोकल, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। फिर चाहे वो यहां का बिदरी क्राफ्ट हो, चाहे वो यहां का बटीक पेंटिंग्स हो, चाहे वो पोचमपल्ली का हैंडलूम्स हो, इस पर हम इनको कैसे वर्ल्ड का ब्रांड नेम दे सकते हैं, इस पर हमको काम करना चाहिए। और इस पर फुल सपोर्ट मोदी जी का है, इसको भी हमको समझना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द स्कीम्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द गुड स्कीम्स विच हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जिसके कारण लोग आज बारंबार मोदी जी को शाबाशी दे रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं और उनकी नीतियों को अपने तरफ से एक साधुवाद दे रहे हैं, उसके कारणों को भी हमको समझना पड़ेगा। जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगेन 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता के लिए हमको काम करना है, स्वच्छता के लिए। और उस समय भी लोगों ने कहा था, विशेष करके कांग्रेस ने, कि व्हाट मोदी जी इज टॉकिंग फ्रॉम लाल किला प्राचीर, फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ लाल किला, ही इज टॉकिंग अबाउट स्वच्छता, ये कोई इशू है? आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन मेड, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। और 11 करोड़ का मतलब होता है कि 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर देने का, इज्जत देने का काम किया, यह हमको समझना चाहिए। आप सब लोग शहर में रहते हैं, मे बी आपके आपके ध्यान में कितना होगा, लेकिन भारत के गांव में हमारी बहनें सनसेट का इंतजार करती हैं फॉर द नेचुरल नीड्स, एंड सनराइज का के पहले वो अपने नेचुरल नीड्स को पूरा करती हैं। ये सिचुएशन थी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ वुमेन। लेकिन 11 करोड़ इज्जत घर दे करके, और इफ आई टॉक अबाउट तेलंगाना, 29,00,000 इज्जत घर हैव बीन प्रोवाइडेड इन तेलंगाना, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आपको मालूम होगा कि यूएन ने नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए अवार्ड भी दिया, इस स्वच्छता अभियान के लिए उसको अवार्ड भी दिया, वो भी हमारे ध्यान में है। When we talk about Ujjwala, 8,00,000 women got gas connection along with cylinder. अब ये भी सिलेंडर इज नॉट ओनली कि आपको सिलेंडर दे दिया, दिस इज अ हेल्थ इशू। इसके पहले जब लकड़ी के चूल्हे जलते थे तो उसमें जो धुआं बहने लेती थी लेड टू दी पल्मोनरी डिजीजेस, बट दे हैव बीन एम्पावर्ड एंड दैट इज हाउ वी शुड लुक टूवर्ड्स दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। यू टॉक अबाउट उजाला योजना, यू टॉक अबाउट सौभाग्य योजना, यू टॉक अबाउट आयुष्मान भारत, 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। एंड आई एम सॉरी टू से दैट KCR हैज नॉट अलाउड दिस टू बी इंप्लीमेंटेड इन द लैंड ऑफ तेलंगाना, दिस इज योर लीडर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर,
26 लाख फैमिलीज इसके इंप्लीमेंटेशन मिलती, सो 26 लाख फैमिलीज आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख हेल्थ कवर एवरी ईयर बेसिस पे, ईयर बेसिस पे मिलने से उसको डिप्राइव किया गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां हम लोगों ने ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेस बीबी नगर में यादगिरी में इसको खोलने का प्रयास किया गया है एंड 1028 करोड़ रुपीज आर बींग स्पेंट फॉर दैट। दिस इज अगेन अ गिफ्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल ऑफ तेलंगाना, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सैनिक स्कूल खोलने का प्रयास हुआ है, हैदराबाद के लिए नई नई स्कीम्स को लेकर के आने का प्रयास हुआ है, चाहे वो है एनहांसमेंट ऑफ मेट्रो स्कीम्स हो, ऑल स्कीम्स हैव बीन सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड हमको उसके लिए काम करना चाहिए। मित्रों, जब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द हैदराबाद इलेक्शन, आई वॉज एस्टॉनिश्ड, मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी, यू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ द लीडर, इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरेट ऑफ हैदराबाद, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इन डेमोक्रेसी हैदराबाद गली है, 74 लाख वोटर्स, 5 लोकसभा सीट्स, 24 विधानसभा एंड मोर देन अ करोर पॉपुलेशन, और ये इनको गली दिखती है। और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे, हम आपके भ्रष्टाचार को नष्ट नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। क्या है आजकल, मी माय फैमिली एंड माय फ्रेंड, कौन है मैं, मी मतलब केसीआर, माय फैमिली मतलब बेटा बेटी दामाद, छोटा दामाद बड़ा दामाद, और माय फ्रेंड, फ्रेंड भी जोरदार है, फ्रेंड भी जोरदार है। अरे रजाकारों को याद करो भाई, याद करो 1947 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक, रिमेंबर 1947 15th ऑफ अगस्त टू 1948 17th ऑफ सितंबर, क्या हालत हुई थी और कौन थे वो लोग और किसके साथ गलबाइयां बना रहे हो, किनके साथ जफ्फी लगा रहे हो। अरे सत्ता के लिए इतने बिक जाओगे, इतने मुसीबत में डाल दोगे, कुछ तो ध्यान रखो, कुछ तो एलिमेंट ऑफ मोरालिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और देखिए लीडर एग्जांपल से बनता है, एक तरफ हमारे लीडर हैं हु लीड्स द कंट्री फ्रॉम द फ्रंट, हु इज ऑलवेज देयर, चाहे वो लद्दाख में वहां अपने बॉर्डर्स पर जाने की बात हो, चाहे कोरोना से लड़ने का सवाल हो, सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी ने देश को लीड किया है, ये हम सब जानते हैं। और यहां आपके यहां क्या है, घर से ही नहीं निकले, घर से ही नहीं, मुझे बताया गया कि 5 साल हो गया सेक्रेटेरिएट गए हुए और सेक्रेटेरिएट तोड़ भी दिया। अब देखो लीडर कैसे दिखता है, एग्जाम्पल से दिखता है, ये एग्जाम्पल समझो, जो वास्तु से डर जाए वो जनता का क्या भला करेगा। अरे जनता ने वोट दिया था, तुम जनता की सेवा करने के लिए दिया था। आप बताइए भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, क्या नाम था उसका, 32,000 करोड़, कालेश्वरम 32,000 करोड़ का 1,00,000 करोड़ पहुंच गया, बनना शुरू नहीं हुआ। ये भूख भी कितनी है मालूम नहीं, क्या है ये राजनीति। आप देखिए the leader is the custodian of the people, leader जो होता है वो राजा नहीं होता, leader custodian होता है।
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? एनहांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? और हम जो पैसा भेजते हैं उस पर यहां भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? अगर ये सब रोकना है तो हैदराबाद में भी हर, मैं गली शब्द नहीं बोलूंगा, एवरी रिस्पेक्टेड रोड, एवरी रिस्पेक्टेड हाउस हैज टू बी रिस्पेक्टेड, और उनको अच्छे जीने का तरीका मिले, इसके लिए हैदराबाद खड़ा हो, इसके लिए हमको काम करना है। हमारे लोगों ने भी आपसे वायदे किए हैं, महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, मेट्रो में चलने के लिए फ्री फैसिलिटी की बात की है, बसेस की बात की है, उसी तरीके से अन्य चीजों के बारे में वायदा किया गया है, हाई क्वालिटी वाईफाई के बारे में बातचीत की गई है। एक हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद किस तरीके से सुंदर हो सके उसकी चिंता करने की बात की गई है। लेकिन मैं इससे पहले कहता हूं, कोई भी जगह सुंदर तब होती है जब सुंदर रखने वाला ईमानदार नेता होता है और ईमानदार पार्टी होती है। नहीं तो क्या होगा, एक लोटा है, एक बकेट है, ऊपर से हम पानी डालते जाएंगे, नीचे छेद होगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो सॉलिड हो, नीचे से लीक ना हो, और उसका गारंटी अगर कोई दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बातें तो बहुत करने को हैं, लेकिन मैं हैदराबाद के कुछ इश्यूज पर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता था क्योंकि यह सच में, और देखिए ये सब लोग एक साथ मिले हुए लोग हैं। अब जम्मू कश्मीर का विषय उठा लीजिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, कहते हैं कि 370 को एब्रोवेट करने के लिए मैं चाइना की, इंशाल्लाह चाइना की मदद लूंगा। ये हमारे राष्ट्रभक्त हैं। एक पीडीपी की नेता है, कहती हैं कि मैं तिरंगा को तब हाथ लगाऊंगी जब हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा होगा, नहीं तो तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये है हमारे नेशनल लीडर। हमारे एक कांग्रेस पार्टी है जो ये ध्यान में ही नहीं रखती कि मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हो और इस गुपकर के अलायंस और गैंग के साथ खड़े हो जाते हो। मित्रों, इन सब चीजों को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अभी अभी राहुल गांधी ने कहा कि काला दिवस है, 26/11 कल बीत करके हटी, तुम्हारे सामने वो काला दिवस बीता था, एक वाक्य तुम्हारे से ट्विटर हैंडल से नहीं निकला, और आप जो देश के विकास में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर काला दिवस की बात करते हो, और कौन बोल रहा है? भूल गए कि आपके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी? भूल गए कि 1,00,000 से ज्यादा लोग मीसा और FIR में बंद किए गए थे? भूल गए कि प्रेस को आपने बंद कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, और आप लोग आज काला दिवस की बात करते हो? आप मन से क्या विचार रखते हो इसका एक जीता जागता प्रमाण है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन, एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए, ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री बन सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री बन सकते हैं और पार्टी को नया जागरण दे सकते हैं। साधारण परिवार से आने वाला संजय बंडी, कृष्ण गारू, ये लोग आपको लीड कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। साधारण परिवार से आने वाले हमारे भूपेंद्र यादव पार्टी को एक नई दृष्टि दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दिस इज अवर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, ये हमारी आंतरिक ताकत है, यह हमारा आंतरिक लोकतंत्र है,
और इसलिए ये सब लोग सूनर और लेटर, मुझे पता चला गया कि मैं जाऊंगा और सारे देश में एंटी बीजेपी पार्टियों को इकट्ठा करूंगा। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि मैं निकलूंगा और मैं सारी फैमिली पार्टी को फैमिली बनाऊंगा, ऐसा बोलो ना। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर, एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फेदर का रेंज होता है ना, शेड, शेड, पंख भी एक जैसे नहीं होते ना, शेड होता है, तो ये सब शेड्स हैं, पर पंख एक ही रंग का है, ये ध्यान में रखना चाहिए, ये इनका एक ही काम है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत से विषय आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं। नेशनल इंटरेस्ट के विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो जनता की सेवा में जुटी हुई है, और मैं चाहता हूं कि हैदराबाद में भी आप पूरा समर्थन करें। कल हमारे योगी जी यहां आएंगे, वो आपको बताएंगे कि रजागार क्या होता है और बाकी क्या होता है। परसों हमारे भारत के गृह मंत्री आएंगे, श्रीमान अमित शाह जी, उनका भी यहां पर कार्यक्रम है। हम पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं, और यह जो मैंने कहा कि इसको गली का चुनाव कहना, यह हैदराबाद की जनता का निरादर है, और उनको आदर देकर के नई हाइट्स पर ले जाने के लिए, हैदराबाद के लिए हम काम करेंगे, इस बात का आपको विश्वास लाते हैं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि चुनाव की घड़ी है, आगे भी कार्यक्रम लगे रहते हैं तो उसमें भी जाना पड़ेगा, पर आप सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसको आप आगे बढ़ाइएगा। और आप सब लोग जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे विभिन्न क्षेत्रों को लीड कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप समाज में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और हैदराबाद एक खुशहाल हैदराबाद बने, इस काम को करने में आप सब अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना, जय हैदराबाद। గౌరవనీయులు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు, డాక్టర్ సహారియా గారు, రాజేంద్ర కుమార్ గారు, ఇక అనేక మంది పెద్దలు, వివిధ రకాల సంబంధించిన పెద్దలు అందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, ఫోటోగ్రాఫర్స్, అనేక మంది సెంట్రల్ మీడియా, అనేక మంది కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని కవరేజ్ చేసినందుకు కూడా నేను